स्टूडेंट्स, कल बेटा हम लोगों ने लेसन शुरू किया था द रैट ट्रैप। इसके हमने 3 पेजेस कल रीडिंग की थी। आई होप आप सबने उसको एक बार रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए अपनी बुक्स निकाल लीजिए। नेक्स्ट हमारे को आज जहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप ये है आपका पेज नंबर 35। ओके, तो यहाँ से देखिए। अब आप इट वॉज लेट इन दिसंबर की दिसंबर के अंत का समय था, दिसंबर के महीने का अंत का समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जो अंधेरा था वो जंगल में छाने लगा, क्योंकि वो जंगल में फंस गया था जाकर। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे खतरा महसूस होने लगा, खतरा बढ़ गया। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपीयर, और उसका दुख और निराशा भी बढ़ने लगी। फाइनली ही सा नो वे आउट, और अंत में उसको जब कोई रास्ता नजर नहीं आया। एंड ही सैंक डाउन तो ऑन द ग्राउंड, तो वो नीचे सिर करके जमीन पर बैठ गया, टायर्ड टू डेथ, और वो इतना थक गया कि लगा कि बस उसकी मृत्यु निश्चित है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसके दिमाग में आया कि अब उसका जीवन का अंत समय आ चुका था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसका सिर नीचे जमीन पर, जब वो लेटा तो उसका जमीन पर सिर लगा, ही हर्ड ए साउंड, तो उसने एक आवाज सुनी, ए हार्ट रेगुलर थम्बिंग, एक लगातार जोर जोर से किसी को पीटने की आवाज थी। देर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, उसको बिल्कुल संदेह नहीं हुआ कि वो किस चीज की आवाज थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खड़ा हुआ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, उसने सोचा ये तो किसी के द्वारा हथौड़ी से किसी लोहे की चीज को पीटने की आवाज है, और शायद किसी लोहे लोहे की कोई मिल है आसपास। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, जरूर आसपास लोग होंगे। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप, उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी करी, खड़ा हो गया, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। द रामजो आयरन वर्क, रामजो लोहे की मिल, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद है। वर नाउ नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फोर्ज, लेकिन ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ बंद हुए। ये एक बहुत बड़ा प्लांट है लोहे का, जहाँ काम होता है, लोहे को पिघलाया जाता है, उसको मिल में ढलाई का काम होता है, और वहां पे वो फैक्ट्री थी लोहे की। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइंस ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउट्स स्लिड डाउन द कैनाल, गर्मियों के समय में बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे और जो भी वहां पर फैक्ट्री में यूज होने वाला सामान था, वो वहां पे एक झील में आकर के, एक झील थी वहां आकर वो बहकर इकट्ठा करते थे। बीच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जहां पे एक बड़ी वो झील थी वहां पर। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, और सर्दियों के टाइम में जो आसपास की जो सड़क थी वो काले कालिक जो थी, जो वहां पर कोयला जलता था लोहे की मिल में, उससे जो धूल उड़ती थी, और वो कोयले की धूल से आसपास की सारी सड़कें काली रहती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, अब क्रिसमस के पहले की एक लंबी अंधेरी शाम थी। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, मास्टर स्मिथ जो मुख्य लुहार था और जो उसका सहायक था, वो दोनों वहां पर कारखाने में एक भट्टी के पास बैठे हुए थे, और एक बड़ा जो पिग आयरन, बड़ा लोहे का टुकड़ा आग में डला हुआ था, उसका इंतजार कर रहे थे पिघलने का। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि आग में डाल रखा था उन्होंने, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जो सांचे में डालने के लिए तैयार हो रहा था। एवरी नाउ देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, उन दोनों में से बारी बारी से खड़ा होता और लोहे के छड़ी ले जाकर उस कोयले को हिलाकर आता। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और जब वो कुछ पलों में लौट कर आता, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, दो तो उसके कपड़ों में से पसीना टपक रहा होता था। एज वॉज द कस्टम, जैसे कि उनका काम था, ही वर वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, कि वो और कुछ नहीं बल्कि एक लंबी सी कमीज और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहनते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, पूरा टाइम वहां पर अंदर कारखाने में कोई ना कोई आवाजें सुनाई देती थी। द बिग बेलोज ग्रोंड एंड द बर्निंग कॉइल क्रैक्ड, बड़े बड़े लोहे के जो लट्ठे थे उनके पिघलने की आवाजें और कोयले के चटकने की आवाजें। द फायर बॉय शॉवल चारकोल इन टू द मा ऑफ द फर्नेस, जो फायर बॉय, जो लड़का था उसका हेल्पर, वो बड़े से
बेलचे में कोयला लेके जाता और भट्टी के अंदर डाल के आता, जिसमें से विद ग्रेट डील ऑफ क्रेटर, जिसमें से कि बहुत ज्यादा चटकने की आवाजें आती। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर पानी के झरने का शोर होता था। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड व्हिप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और ऊपर जो ये टाइल की छतें थी उसके ऊपर पानी के द्वारा जो हवा के द्वारा जो बारिश के पानी की बूंदें गिरती थी उनका शोर था। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ज। तो इसी शोर के कारण वो मुख्य लोहार ये ध्यान ही नहीं दे पाया कि कब ये आदमी अंदर गेट खोलकर आया और बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और जब तक वो बिल्कुल उनके नजदीक भट्टी के पास नहीं आ गया उनको पता ही नहीं चला। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स। सूटी पेन्स होता है धुंधले शीशे। वास्तव में जब वो भट्टी उस कारखाने के बाहर था वो घुमक्कड़, तो उसको दूर से धुंधले शीशों में से लाइट की दिखाई दी थी कि कहीं लाइट जग रही है। और वास्तव में इसके जैसे गरीब घुमक्कड़ के लिए रात को आसरा लेने के लिए इससे बढ़िया स्थान और कोई हो ही नहीं सकता था। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और रात के समय वो आराम करने के लिए यहाँ पर आग के पास आराम करने के लिए आ गया। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और लोहार ने आम बिल्कुल अजनबी तरीके से उस अजनबी की ओर देखा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ द टाइप हिज टाइप यूजुअली डिड, आमतौर पर वो लोगों को ऐसे ही देखता था। विद अ लॉन्ग बर्ड डर्टी रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रेट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, उसकी घुमक्कड़ की लंबी दाढ़ी थी, गंदे फटे पुराने कपड़े पहने थे और एक चूहे दानियों का गुच्छा जो उसने तार में लपेट रखी थी उसके आगे छाती पर लटक रहा था, जो उसने गले में डाल रखा था रस्सी से बांधकर उनको। He asked permission to stay. उसने उससे परमिशन मांगी कि मैं आज रात यहाँ रुक जाऊं। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, और मुख्य लोहार ने बिना कोई एक शब्द भी कहे उसको हाँ में सिर हिला दिया। ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, घुमक्कड़ ने कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, क्योंकि वहां पर वो कोई बात करने तो आया ही नहीं था, बस वहां पर आराम करने और सोने आया था। इन दोज डेज द रामजो आयरन मिल वॉज ऑन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों जो रामजो आयरन मिल थी उसका मालिक एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य था बस बाजार में अच्छे से अच्छा लोहा निकाल देना। He was both night and day to see that the work was done as well as possible. वो रात या दिन में कभी भी वहां ये देखने आ जाता था कि क्या कारखाने में सारा काम सही चल रहा है। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. और उस दिन भी वो उसी रात को भी जो उसके इंस्पेक्शन के राउंड होते थे वो उस रात भी उस इंस्पेक्शन के राउंड के दौरान उस दिन वहां पे रात को आ गया। Naturally, the first thing he saw was a tall ragamuffin who had aced his way too close to the furnace that steam rose from his wet rag. और वास्तव में पहली नजर उस लंबे घुमक्कड़ के ऊपर उसकी गई जो कि भट्टी के पास लेटा हुआ था रास्ते में, और उसके फटे पुराने कपड़ों में से पसीने की थोड़ा सा स्टीम निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, लुहार ने ये सॉरी मिल के मालिक ने लुहार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हु हैड हार्डली डेयर टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो जिसने की मुश्किल से अजनबी की ओर ध्यान दिया था। ही वॉक्ड क्लोज्ड अप टू हिम, अब वो चलकर उस अजनबी के नजदीक गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बड़े ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसका चेहरे पर से हैट हटाया ताकि उसके चेहरे को अच्छी तरह से वो देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ऑफ ओलाफ, और जैसे ही उसने उसको देखा तो बोला कि अरे ये नील्स ओलाफ क्या तुम हो ये? उसने कहा हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो? द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द मास्टर एट रामसो, अब जो चूहेदानी बेचने वाला था उसने रामसो मिलके इस मालिक को पहले कभी देखा ही नहीं था। एंड डिड नॉट नो इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और वो तो ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेटेंस, लेकिन उसको ये लगा कि ये व्यक्ति मुझे अपना कोई गलती से पुराना परिचित समझ रहा है।
ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, उसके मन में लालच आ गया कि मुझे अपना कोई पुराना परिचित समझ रहा है तो शायद ये मुझे कुछ क्रोनर दे दे, मतलब कि पैसे दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल एट वंस, लेकिन साथ में वो किसी को धोखा भी नहीं देना चाहता था। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम ही सेड, हाँ भगवान जानते यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी ही सेड, और उसने बस उसको यही जवाब दिया कि हाँ भगवान जानते हैं कि मेरे साथ कितना पुराना बुरा समय बीता है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर, मिल के मालिक ने कहा कि आप तुम्हें सेना से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, यही गलती हुई। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर उस समय मैं सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी ना होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, लेकिन अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मेनोर हाउस एंड टू बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। अब उस घुमक्कड़ ने जब ये देखा कि ये मालिक तो मुझे अपने घर ले जाना चाहता है और मुझे अपने पुराना साथी समझ रहा है फौज का, तो ये चीज उसको नाराज कर गई। वो मन ही मन में परेशान हो गया क्योंकि वो तो ये चाहता था ना कि बस ये मुझे परिचित समझ के कुछ दया करके पैसे दे देगा। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, वो एकदम चौकन्ना हो गया और कहा कि नहीं नहीं मैं तो आपके घर बिल्कुल जाने की सोच भी नहीं सकता। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसको चोरी किए हुए 30 क्रोनर की याद आई। टू गो अप टू द मैनोर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटियरली इनटू द लायंस डेन, उसे लगा कि इसके घर जाने का मतलब है खुद जानबूझकर अपने सिर को शेर की गुफा में कर देना। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away and as inconspicuously as possible. उसने कहा कि बस मैं तो यहाँ पर चुपचाप थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ और जहाँ तक हो सके बिना किसी के पता लगे सुबह यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. लेकिन Iron Master मिल के मालिक को ये लगा कि शायद इसको शर्मिंदगी हो रही है मेरे घर जाने में क्योंकि इसने बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने हैं। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. उसने कहा, कृपया तुम ऐसा मत सोचो कि हमारा एक बहुत अच्छा घर है और तुम अपने आप को वहाँ पर गरीब महसूस करोगे। उसने कहा, Elizabeth is dead. Elizabeth की मृत्यु हो गई है। Elizabeth कौन थी? Iron Master की वाइफ। As you may already have heard, जैसे तुमने पहले सुना होगा, my boys are abroad, मेरे लड़के विदेश चले गए हैं। And there is no one at home except my oldest daughter and myself. और मेरे और मेरी बड़ी बेटी के अलावा घर में कोई नहीं है। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. हम आज यही बात कर रहे थे कि आज कितना बुरा लग रहा है कि इस क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं था। Now come along with me and help us to make the Christmas food disappear a little faster. आओ अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और क्रिसमस का भोजन खत्म करने में हमारी मदद करो। But the stranger said no and no and again no and the master said that must give in, he must give in. लेकिन अजनबी ने बार बार उसको मना किया और अब उसके मालिक को लगा, मिलके मालिक को, कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। It looks as though Captain Wonstail preferred to stay with you tonight. अब वो जो आयरन मास्टर था वो उस घुमक्कड़ को कैप्टन वॉन्सटेल, ये उसका नाम समझ रहा था, तो अब उसने उसको कहा stay with you tonight, Sandstorm. सैंडस्टॉर्म कौन है? वो लुहार है जो मुख्य वहां पे बैठा था। अब उसने ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील। अब उस आयरन मास्टर ने जो मुख्य लुहार था जिसका नाम सैंडस्टॉर्म था उसको कहा कि लगता है कैप्टन बॉन्स्टोल तुम्हारे साथ ही रात को यहाँ रुकेंगे, और ऐसा कहकर वो तेजी से चला गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जब वो गया तो वो हंसता गया। And the blacksmith who knew him, और लुहार जो कि अपने मालिक को जानता था, understood very well that he had not said his last word. वो समझ गया कि ये मेरे मालिक के अंतिम शब्द नहीं थे। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. अभी उसको गया आधा घंटा भी नहीं हुआ था तभी गाड़ी के बाहर रुकने की आवाज आई। And a new guest came in, और एक नया मेहमान अंदर आया। But this time it was not the Iron Master, लेकिन इस बार उसकी बेटी नहीं थी। He had sent his daughter, उसने अपनी, sorry, इस बार Iron Master नहीं था, इस बार उसने अपनी बेटी को भेजा था। Apparently hoping that he would have better powers of persuasion than himself, क्योंकि उसको पता था उसकी बेटी के अंदर दूसरों से बात मनवाने की ज्यादा पावर है, ताकत है। She entered followed by a valet. Valet होता है नौकर, servant.
अब उसकी बेटी अंदर आई एक नौकर के साथ, नौकर पीछे पीछे आया, कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, जिसने एक बड़ा फर का कोट लिया हुआ था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो देखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन बहुत आधुनिक और शर्मीली लगती थी। इन द फोर्स एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द मॉर्निंग, उस कारखाने में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे शाम को था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टूड स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, मुख्य लोहार और उसका सहायक अभी भी बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और कोयला अभी भी भट्टी में जल रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द फ्लोर एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और जो घुमक्कड़ था वो जमीन पर लेटा हुआ था और उस एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आईज, और अपनी आंखों पर उसने हैट ढका हुआ था। अब उसकी बेटी ने अंदर आके देखा। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही लड़की की नजर उस पर पड़ी, she went up and lifted his hat, वो गई और उसने उसका हैट हटा दिया। The man was evidently used to sleeping with one eye open, अब वो जो आदमी था घुमक्कड़, वो हमेशा एक आंख खोलकर सोता था। He jumped up abruptly, वो एकदम से चौकन्ना होकर जाग गया, and seemed to be quite frightened, और ऐसे लगा जैसे एकदम वो डर गया। My name is Adela Wilmenson, said the girl. लड़की ने कहा, मेरा नाम एडला विलमेंसन है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. मेरे पिता ने घर आकर बताया कि आप आज रात को यहीं सोना चाहते हो। And then I asked permission to come and bring you home to us. फिर मैंने उनसे आज्ञा ली कि मैं आपको यहाँ आकर लेकर जाऊँ घर पर। I am so sorry, captain. मुझे बड़ा दुख है captain, that you are having such a hard time. कि आपको इतना कठिन समय बिताना पड़ा। She looked at him compassionately with her heavy eyes. उसने बड़ी भारी आंखों से उसकी ओर देखा, and then she noticed that the man was afraid. और उसने ये देखा कि वो आदमी जैसे डरा हुआ था। Either he has stolen something or else he was escaped from jail. जैसे या तो उसने किसी की कोई चीज चुराई हो या जेल से भागा हो। She thought, उसको लगा, and added quickly, और बोली, You may be sure, captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. उसने कहा, कैप्टन मेरा विश्वास करो, जैसे आप अपनी मर्जी से घर जा रहे हो हमारे, वैसे ही अपनी मर्जी से आप चले भी आना। Only please stay with us over Christmas Eve. सिर्फ हमारे साथ क्रिसमस तक रुक जाओ। She said this in such a friendly manner that the retired peddler must have felt confidence in her. उसने इतने अच्छे तरीके से उसको कहा कि घुमक्कड़ उसकी बातों में आ गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. उसने उसको कहा कि मिस, केवल तुमने ही मुझे अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर लिया, वरना कोई मुझे जल्दी से बाध्य नहीं कर सकता। I will come at once, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। He accepted the fur coat with the valet handed him with a deep bow. अब उसने, जो नौकर ने बिल्कुल झुक करके उसको कोट दिया फर वाला, वो उसने ले लिया। Threw it over his rags, अपने फटे पुराने कपड़ों पर ओढ़ लिया। And followed the young lady out to the carriage, और लड़की के साथ उसकी गाड़ी में चल पड़ा। Without granting the astonished blacksmith so much as a glance, और जो लुहार बैठा हुआ उसको हैरानी से देख रहा था, उसकी और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. लेकिन अब जब वो गाड़ी में मालिक के घर जा रहा था, तो उसके मन में बुरे ख्याल आए। Why the devil did I take that fellow's money? कि मैंने क्यों उस व्यक्ति के पैसे चुराए? He thought, उसने सोचा, Now I am sitting in the trap. अब मैं जाल में फंस गया हूँ, पिंजरे में, and will never get out of it. और अब इससे बाहर नहीं निकल सकता। The next day was Christmas Eve. अगले दिन क्रिसमस थी, and when the headmaster came into the dining room for breakfast, और जब अगले दिन डाइनिंग रूम में नाश्ते के लिए हेडमास्टर आया, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. तो वहां पर उसको अपने पुराने साथी को वहां बैठा देखकर बहुत संतुष्टि हुई, जिसके आने की उसको आशा नहीं थी। वो बोला अपनी बेटी को, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, बेटा सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इनको थोड़ा सा मोटा करें। He said to his daughter, उसने अपनी बेटी से कहा, who was busy at the table, जो कि मेज पर नाश्ता लगाने में बिजी थी, and then we must see that he gets something
as to do than to run around the country selling that dress. फिर हमें ये देखना है कि इनके लिए कोई और काम ढूंढा जाए ताकि इनको शहर में जगह जगह जाकर चूहे दानियां ना बेचनी पड़े। तो ये बेटा आपका 38 पेजेस तक ये लेसन आपका रीडिंग कंप्लीट हो गई है, और अब आप इस लेसन को अच्छी तरीके से रीडिंग कर लेना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। फिर हम अगला जो बाकी का है वो अगले वीडियो में करेंगे।